में अकेला जाना किसी अनजान जगह पे बहुत दिक्कत होती है, हाँ बहुत लेकिन दिक्कत इस परिक्रमा पथ पे अनजान जंगल में अकेले ने कभी सुरक्षा की कोई चिंता कभी हुई? कभी नहीं, कभी नहीं। हमें मालूम है माँ हमारे साथ है तो हमें कभी डर भी नहीं लगा। मात श्री नर्मदे हर। पुणे महाराष्ट्र निवासी अंजलि कुलकर्णी का मन हुआ नर्मदा परिक्रमा करने का, तो अपने पति को घूमने जाने बोलकर ओंकारेश्वर लेकर आईं। फिर कहा कि हमें पैदल परिक्रमा करनी है। पति पहले तो शॉक्ड हुए, लेकिन बाद में पत्नी की इच्छा का सम्मान करते हुए नर्मदा परिक्रमा पर निकल पड़े। परिक्रमा के दौरान इन दंपति को क्या क्या अनुभव हुए, इनका कैसे हृदय परिवर्तन हुआ, कैसे मानव सेवा एवं समाज सेवा की भावना जागृत हुई, आइए सीधे सुनते हैं इन्हीं के श्रीमुख से। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज जी परिक्रमा पे? हम परिक्रमा में हैं। कहाँ से हैं आप? पूना से है, पूना से सदाशिवपेट से निकले हैं। बड़ी सिटी है, वहाँ से निकले हैं। अचानक परिक्रमा का ध्यान कैसे? परिक्रमा का ध्यान तो ऐसा हम मेरे मन में तो कुछ नहीं था, हमारे मिसेस ने परिक्रमा जाने का ले लिया था, इसलिए हम परिक्रमा में निकले हैं। और उन्होंने मेरे ओंकारेश्वर आने के बाद उन्होंने बोल देगा कि आपको पाई परिक्रमा करनी है, तो पहले तो मुझे मालूम नहीं था परिक्रमा करनी है कि नहीं, सिर्फ इसके साथ आते कि चलो आप परिक्रमा में निकलेंगे, बाकी कुछ नहीं, छुट्टी मनाने के लिए निकले थे मैं तो। मगर उन्होंने बोला कि आपको पाई परिक्रमा चलना है, तो हम उधर से निकले और अभी 3 महीने चल रहे हैं। हम 18 नवंबर से हम ओंकारेश्वर से निकले, अभी परिक्रमा में चले अमरकंठक। हमारा भाग्य ऐसा है कि शिवरात्रि के दिन हम अमरकंठक में थे और बहुत अच्छा उधर भी दर्शन हो गया, अभी और फिर वापस हम ओंकारेश्वर जा रहे हैं। पत्नी के विश्वास के साथ चल पड़े हैं? यस, हम पत्नी के पूरे विश्वास के साथ, वो बोले आपको चलना है तो हम चल पड़े। मैं पूना में गवर्नमेंट में काम करता था, तो मैं 1 किलोमीटर भी नहीं चलता था कभी भी, बिल्डिंग से नीचे आए गए, लिफ्ट से आते थे, गाड़ी में बैठ के ऑफिस पे जाता था, ऑफिस से फिर घर में आता था, 1 आधा किलोमीटर भी नहीं चल सकता था। मगर मैया के भरोसे हम 20-25 किलोमीटर पर डे चलते। उसमें ज़्यादा मज़ा आता था कि अभी ज़्यादा आनंद आ रहा है? अभी बहुत 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 मज़ा आती है, बहुत मज़ा आती है। और मैया के तट पर जो चलते हैं ना, तो बहुत मज़ा आती है। हम पूरे उत्तर तट परिक्रमा में मैया के किनारे पे ही चले, रोड पे नहीं आया, तो इतना अच्छा लगा और बहुत अच्छे लोग मिल गए कि जहाँ पे लाइट नहीं है, पानी नहीं है, वो लोगों ने भी बहुत हमकी हेल्प की और खाना पीना बहुत अच्छे सुविधा दी लोगों ने। लोग वो वैसे बोले कि बहुत लोग गरीब हैं मगर दिल से बहुत बड़े लोग हैं, सब लोगों ने ऐसा। एक जगह पे तो हमको लाइट नहीं थी महाराज, हम कुटी में रहते थे, उसमें लाइट नहीं, कुछ नहीं था, फिर भी लोगों ने, हम उधर 4 ही आदमी थे तो 4 लोगों के लिए वो लोगों ने कम से कम 2000 मीटर से लाम से लाइट लगवा दी, एक की तार सिंगल फेज से, और अर्थिंग बना दी, और रात को 7 बजे हमको एक दीवा लगा दिया। और दूसरा ये हुआ कि दूसरा आदमी, उनको मालूम हो गया कि परिक्रमावासी यहाँ मंदिर में बैठे, तो मैया के पार दूसरे पार गया और उधर से क्या बर्तन लेके आया। दूसरा तीसरे आदमी को मालूम हुआ वो चावल लेके आ गए, इतना चावल लेके, ऐसे इस तरह से उन लोगों ने हमके रात की सेवा की। बहुत अलग लगता है वो एरिया। आप लोग महाराष्ट्र से हैं तो परिक्रमा का पथ कहाँ से, कैसा क्या, इसकी बेसिक जानकारी कैसे होती थी आपको? नहीं, हम तो रोज़ सुबह देखते थे कहाँ पे जाना है, कहाँ नहीं, कैसे चलना है, वो तो हमारे पास नक्शा होता है, उस तरफ से हम चलते थे। नर्मदा परिक्रमा का जो पुस्तक है ना, उसमें सब लिखा है कहाँ से जाना है, नर्मदा तट से परिक्रमा, उस मार्ग से हम चलते हैं। आपने पति को बोला कि परिक्रमा पे निकलना है, आपका मन कैसे हुआ परिक्रमा के लिए? मैं, हमारे देवर है वो कोथरूड में रहते हैं, उनके घर गई थी और वो डिस्कस कर रहे कि नर्मदा परिक्रमा जाने का, तो वो बोल रही थी कि तुम आओगी क्या? मैं बोले हाँ मैं आऊँगी, लेकिन नर्मदा परिक्रमा क्या है मुझे मालूम नहीं था। मैं यूट्यूब में गई, वो सब सर्च किया कि क्या परिक्रमा है, और मेरा मन जागृत हो गया कि मुझे भी करना है, लेकिन मुझे लगा था ये नहीं मानने वाले, इसलिए उनको बोला कि हमको सिर्फ घूमना है, और मैं उनको ओंकारेश्वर तक ले आई
और बाद में उनको कहा कि हमको चलना है 4 महीने तक, ऐसा बोल के मैं उनको लाई थी। और बाद में हम जब नर्मदा तट से जब जाने लगे तो उनको भी अच्छा लगा और हमको बहुत ऐसा एक्सपीरियंस मिल गया कि माँ हमारे पास है। मुझे भी बहुत तकलीफ हो गई थी, लेकिन माँ ने हम इतना हमारी सेवा की है, इतना हम हमको दिया ना, मैं आपको मेरे पास शब्द नहीं है। इतना अच्छा हमारा अनुभव मिल गया कि मेरा जो एक्सपीरियंस था कि मुझे माँ मिलनी चाहिए, जो बोलते मुझे माँ नहीं है, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ मुझे माँ नहीं है, लेकिन आज से तुम ही मेरी माँ हो। प्यार मिला था उसी तरह तुम्हारा भी मुझे प्यार चाहिए, अरे हमको मिल गया और इसी से हम सेटिस्फेक्शन है पूरी तरह से। और मेरा पूरा विश्वास है कि माँ हमारी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। जिस दिन से आदमी संकल्प कर ले कि परिक्रमा निकलना है, उस दिन से माँ साथ में हो जाते हैं, साथ में रहती है, वो पूरी तरह से साथ में रहती है, कोई तकलीफ नहीं देती हमको। ऐसा कभी नहीं लगा कि आश्रम में गए हमें कुछ मिला नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं हुआ, बहुत मिला हमसे। और रास्ते में भी लोग इतना देते हैं, प्यार देते हैं। कई लोग हमें घर में, हम जाते तो उनके घर में बर्तन भी नहीं, ज़्यादा इतने गरीब है, पर लेकिन वो करते ही हमके लिए सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। शहरों में अकेला जाना किसी अनजान जगह पे बहुत दिक्कत होती है, लेकिन इस परिक्रमा पथ पे अनजान जंगल में अकेले ने कभी सुरक्षा की कोई चिंता कभी हुई? कभी नहीं, कभी नहीं। हमें मालूम है माँ हमारे साथ है, तो हमें कभी डर भी नहीं लगा कि क्या होगा आगे, ऐसा कुछ ही नहीं लगा। कोई लोग बोलते थे जानवर आएगा जंगल है, कोई लगता है, कोई बोलता है कि हमसे लूट लेता है सामान, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा विश्वास माँ पे कि वो हमें सुरक्षित ठहरेगी। 2000 में हम जा रहे थे, शाम को 5:30-6 बजे थे, वहाँ पे एक छोटी कुटी है, वहाँ पे एक ही साधु रहता था, बाकी कोई नहीं थे, और पूरा अंधारा हो गया था, पूरा जंगल था उधर, हम दोनों और ये साधु तीन ही कुटी में थे रात को, पूरी रात, और उधर धुआंधार का ये चल रहा था, आवाज़ आ रहा था, पर रात को ऐसा हमको कुछ भी नहीं लगा, और हमने भी मन में नहीं आया कि आप तीन ही आदमी और ये आदमी तो इधर का रहने वाला है, आपको कोई करेगा, हम दोनों हैं। मगर इतना अच्छा उन्होंने ये कर दिया कि रात को हमको खाना खिलाया, सुबह हमको उन्होंने वो धुआंधार है वहाँ साधु कहाँ बैठते क्या करते थे और कहाँ से देखना है धुआंधार, वो सब गुफा दिखाया हमारे कि आपके ऊपर पानी का एक भी बूंद नहीं आने का, यहाँ पे बैठो आपको सब पूरा धुआंधार दिखेगा, ऐसी जगह उन्होंने हमको दिखा दी। जो रात को हमको पहले तो डर लगा था, 6 बजे आप कैसे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, जंगल है, जो आपने पूछा कि जंगल में आपको डर नहीं लगता का, मगर वैसा प्रसंग हमको आ गया था। आने के बाद भी इतना अच्छा लगा कि इधर भी मैया आपके साथ है और उन्होंने सब करके दिया हमको। अभी तक की जो जिंदगी हमने जी और ये अभी 3 महीने की, ये ज़्यादा बहुत ही बढ़िया है। वो हमारे खुद के लिए बना कर रहे थे, हम पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, इसलिए हम कर रहे थे। मगर हम परिक्रमा में अभी हम सोच रहे कि लोगों के लिए, आपके लिए क्या करना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं और आपने क्या लोगों को देना है, ये सब हम सोच रहे हैं। अभी हमारा थोड़ा सा संकल्प चल रहा है कि हम भी लोगों के लिए सेवा करने आएंगे, थोड़ा सा कहाँ जगह पे ऐसा जगह है कि जो आदिवासी विभाग है वहाँ पे भी आश्रम की ज़रूरत है, तो हम भी आश्रम वहाँ पे करेंगे लोगों की मदद से, क्योंकि पुणे बॉम्बे में लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, वो पैसे का उपयोग यहाँ पे करेंगे, कैसा इनकम टैक्स में लोगों के लिए पैसा तो देना देते हैं, उनके पैसे इधर खर्च हो जाते हैं, तो ये लोगों को भी सुविधा मिल जाएगी, ऐसी बहुत जगह है। हमारा ड्रीम ही कि हम आश्रम खोल के लोगों की परिक्रमा, लोगों की सेवा करने का, ये तो हमारा ड्रीम है। हम कई बार आश्रम में जाते तो उन महाराज से हम बोलते हैं कि आपके यहाँ हम आके 15 दिन तक परिक्रमा लोगों की सेवा करेंगे, वो तो ड्रीम है, लेकिन हमारा खुद का भी आश्रम होगा। अभी इधर एजुकेशन है मगर लोगों को हेल्थ नहीं मिलता कुछ। मैं अभी क्या तुकतलिया उधर गए थे, एक लेडी ने हमको इतनी भूख लगी थी कि क्या करोगे, वो एजुकेटेड है, MS BSc है वो, उन्होंने
20 मिनट में हमको खाना खिला दिया कृष्ण कुमारी। मुझे इतना अच्छा लगा कि हम दोनों ही थे, उनके घर में कोई नहीं था, कोई नहीं था, वो भी नहीं थी, वो खेत में काम कर रही थी, वो अकेला आदमी था। उन्होंने खेत में जाकर उनको बुलाया, फिर उन्होंने 10 मिनट में खाना पकाया के हमें खिलाया। मुझे इतना अच्छा लगा ना कि फैमिली लगता है, और लोग जो पुणे में बॉम्बे में शहर के शहर में ऐसा नहीं होता कि खाली हम देखते ना कि बाजू के फ्लैट में कोई होता तो देखते भी नहीं, लेकिन यहाँ हमारे फैमिली जैसे लोग हमें मिले, सब अनजान लोग आपको खिलाते हैं पिलाते हैं सेवा करते हैं। हमारे पुणे में एक तो 1 बजे से 4 बजे तक कोई भी आदमी आया तो हमारी बेल भी बंद रहती है, और बाकी तो छोड़ दो, लोग बोलते हैं कारण पुणे में हमारे पानी के लिए पानी, कोई भी बोला कि पानी दे दो तो बोलेंगे नहीं 4 बजे आओ, ये हमारे पुणे की सिस्टम है। मगर यहाँ पे ना, यहाँ पे इतना अलग लगा कि आप जाइए तो बहुत नहीं होता है। एक देवरस गाँव है, वहाँ पे हम आ रहे थे दोनों और हमारे साथ कोई लोग थे, और वो जो गांव में हम एंट्री कर दी तो पूरे गांव में नर्मदे हर करके हमको इतना अच्छा लगा। 20-25 मिनट वो गांव से ये तट से दूसरे तट जाते तक धर्मशाला तक पूरे गांव में नर्मदे हर नर्मदे, शाम को 6 बजे इतना अच्छा लगा, इतना लगा कि अरे हमारा स्वागत वो लोग इतने अलग तरह से कर, और छोटे बच्चे से बूढ़े तक सब लोग देवरज गाँव में, और शाम में खाना खिला दिया तो उन्होंने इतना घी डाला था राज के ऊपर। हम बोले अरे रजपूत सब रजपूत है, तो बोले नहीं नहीं महाराज जी हम तो ऐसी सेवा देते हैं। अरे मैंने हमको आपकी सेवा हमको तकलीफ देगी ना, तो इतना भी खाना भी अच्छा खिलाते हैं सब लोग। बोलते ना कि माँ दूध पिलाती भी है खाना खिलाती भी है, वो वैसे ही करती, वो उनको प्रेरणा देती कि उनके लिए कुछ करो आप, और वैसे ही वो लोग जो है वो करते भी है। सभी प्रकार वाली चर्चा होती है, सबका कहते हैं मन में कि आज कुछ खाने की इच्छा हुई, कभी मन में आता है मौना स्वभाव कि आज ये मिल जाता, और उसको बस थोड़ी देर बाद वही मैया मिलता है। सुबह का अनुभव है, हम निकले सूर्यकुंड से, निकलने गेट के बाहर आए तो वो बोले चलो जल्दी चलो बाल भोग करने वेट कर रहा है, चलो अब आगे निकलो। तो हम आगे आते तो 1 किलोमीटर में उनका डॉक्टर है, उनका वो स्कूल है, उनका लड़का बाहर खड़ा था। वो बोला महाराज जी चाय पियेंगे क्या? बोले ठीक है हम चाय पीते हैं। तो हम अंदर चाय पीने गए तो उन्होंने पोहा खिला दिया, ये कर दिया, बाल भोग ही कर दिया पूरा बाल भोग कर दिया ऐसा। और कोई मीठी खाने को बोला तो वो भी मिलता है, मुझे मैया के किनारे पे आप बोलेंगे वही होता है। खाना पीना तो छोड़ो, बाकी की भी इच्छाएं होती है, किसी को मिलना है कि परिक्रमा है वो आदमी आपके साथ था, वो आगे है पीछे, वो मिलना है तो मिल सकते एक दूसरे को। मेरा गांव जो है ना, हमारे गांव में ऐसा हुआ, हम दोनों ही थे, कोई नहीं था हमारे साथ, और बारिश की वो मुझे क्या बोलते हैं वेदर था, और हम मैं इनसे बोल रहती कि बारिश आएगी तो हम कहाँ रहेंगे। तो एक चौबे नमक का एक आदमी बाहर खड़ा था, और सतीश अमेरा में हाँ वो बोल रहे थे महाराज कहाँ जा रहे हैं, ये बोल रहे थे आश्रम जाना है, लेकिन वहाँ आश्रम नहीं था। वो बोले चलो हमारे साथ, तो ये बोले नहीं हम किसी के घर में नहीं जाते, हम परिक्रमा में हैं। वो बोले ठीक है, हमारा दंड उन्होंने साथ लिया, चलो मेरे साथ। अरे का हॉल था, उस हॉल में हमें रखा, अरे इतनी बड़ी बारिश आई थी वहाँ। मैं इनसे बोल रही थी कि देखो मैया का पर चमत्कार, मैं बोल रही थी कि हम कहाँ रहेंगे, माने लगे मुझे चमत्कार दिखाया कि हमें घर दिलाया, खाना दिलाया, ऐसा चमत्कार माँ करती है। जीवन का ये सुख है कि आने वाले समय में क्या होना है हमको नहीं मालूम, लेकिन व्यवस्था पूरी होती है। संकट दिखता है सामने और माता जी खड़ी होती है, ये हमने सोचा। बड़ी बारिश तो हो गई, इतनी ठंड लग रही थी, मैंने इनसे बोला कि ये घर नहीं मिलता तो हम क्या करते। और 9 किलोमीटर का वो पूरा जंगल है, पूरा जंगल था। बे शाहपुर के आगे निकले तो आमेरा के तो पूरा निर्गले के पेड़ है, वहाँ से वो 9 किलोमीटर हम चल रहे थे दोनों में, और
बारिश हो रही थी उधर शाम के टाइम, तो उन्होंने हमको अंदर लेके, और मैं बोला यहाँ पे, तो वो बोले नहीं नहीं आप उधर मत जाइए, कहाँ पे हमारा दंडा लेके आप आपकी बैग लेके आओ, हमारे साथ चलिए, आपके घर में आ जाए बाहर, वो जो हलता वहाँ लेके गए क्योंकि हम घर में नहीं जाते ना। बढ़िया आनंद का उत्सव, बढ़िया आनंद है जी। और नर्मदा परिक्रमा में सब का लोगों का तो अच्छा ही होता है। हमारे चैनल देखने वालों को संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो बोलती हूँ लोगों को कि आप महाबलेश्वर गोवा इस जगह जाते उसके बजाय आप परिक्रमा में आएंगे ना, तो लोग कैसे सेवा करते उनसे प्रेरणा मिलेगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नर्मदे नर्मदे नर्मदे।